News 18, India. और इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के प्रशासन और पुलिस पर सख्त एक्शन लिया। कल बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बंगाल पुलिस की कार्रवाई में जख्मी हो गए थे, जिसके बाद आज लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने सख्त कार्रवाई की। प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया। इसके अलावा 24 परगना के पुलिस कमिश्नर और एसपी को समन्स भी भेजा गया। प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के डीजीपी को भी समन्स यहां पर भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। संदेश खाली मामले में बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। बीजेपी ने टीएमसी के आरोपी नेताओं के लिए उनके खिलाफ एनआईए जांच की मांग भी कर दी। इधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में साजिश रच रही है। लेकिन इस सभी के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी टीएमसी के आरोपी नेता शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? संदेश खाली कांड, टीएमसी बीजेपी में संग्राम। इस वक्त पश्चिम बंगाल में सड़क से लेकर सदन तक संदेश खाली कांड को लेकर कोहराम मचा हुआ है। संदेश खाली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पूरा दिन जोर लगाते रहे कि किसी तरह से पीड़ित महिलाओं से मिलकर टीएमसी नेताओं की क्रूर करतूतों का पर्दाफाश करें। लेकिन बंगाल पुलिस से कई बार तीखी झड़प और नोकझोंक के बाद भी शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, 2 घंटा मैं प्रदर्शन किया और संदेश खाली का जो मिट्टी है, ये मिट्टी को मेरा सिर में लेकर मैं जा रहा हूँ। संदेश खाली का माँ जो है वो माँ के लिए जितना दूर तक जाना चाहिए, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता जाएगा। संदेश खाली को लेकर के संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा से लेकर सड़क तक भाजपा मोर्चेबंदी कर रही है। कल सुकांत मजूमदार तो आज शुभेंदु अधिकारी, संदेश खाली जाते हुए पुलिस ने उन्हें रोक दिया तो सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। हालांकि इस मामले को लेकर अब भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां आखिर कहां छुपा है। भड़क गई ममता, संदेश खाली के पीछे साजिश। नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में महिलाओं से रेप और जमीनों पर जबरन कब्जे के आरोप टीएमसी नेताओं और समर्थकों पर लगाए गए हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों को लेकर के पिछले एक हफ्ते से संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि संदेश खाली में बीजेपी के नेता टीएमसी नेताओं को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भड़कते हुए कहा है, बीजेपी नेताओं का टारगेट टीएमसी नेता शाहजहां शेख था। बीजेपी बाहर के लोगों को यहां ला रही है। बीजेपी के लोग नकाब पहनकर बयान दे रहे हैं। संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन चुका है। हमारी सरकार ने संदेश खाली में अन्याय का समर्थन नहीं किया है। अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संदेश खाली में जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। সারাক্ষণ সারা বাংলার বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছে আর এজেন্সিগুলো সুবিধা নিয়ে যে বিরোধিতা করছে তাদের গ্রেফতার করে বেড়ান। মনে রাখবেন সবটাই আপনারা 2 নম্বরি ভাবে করছেন। 2 নম্বরি কথাটা উঠে গিয়ে 4 নম্বরি হওয়া উচিত। আগে বলতাম 2 নম্বরি, সব ভাষাকে হার মানিয়ে দিয়েছেন, 4 নম্বরিতে করছেন। সারা দেশ জ্বলছে, বিজেপি হাসছে আর গরিবদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, এই তো বিজেপির কাজ, সারা দেশটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।
उनका एडीसीपी मीर बिलात खालिद मिराज वहाँ बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिशन, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मेरा पाह में बूट से। सड़क से सदन तक कोहराम, कहां है शाहजहां शेख? संदेश खाली कांड को लेकर बवाल धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते से संदेश खाली के लोग ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संदेश खाली में मचे कोहराम पर बीजेपी बेहद आक्रामक है। उनके कार्यकर्ता पूरे बंगाल में सड़कों पर उतर गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो संदेश खाली से लेकर वर्धमान और सिलीगुड़ी तक की हैं। ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस भी पूरी सख्ती के साथ इन प्रदर्शनों से निपट रही है। इस वक्त संदेश खाली कांड से जुड़े 3 आरोपियों को लेकर गदर मचा हुआ है। पहला है टीएमसी नेता शाहजहां शेख, जिस पर संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन पर कब्जे और हिंसा के आरोप लगाए हैं। दूसरा है शेख शाहजहां का करीबी शिबू हाजरा, जिसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। और तीसरा है उत्तर सरकार, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। अब तक प्रदर्शनकारियों ने 3 पोल्ट्री फार्म को आग के हवाले कर दिया है। संदेश खाली के लोगों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर शेख शाहजहां और उनके करीबियों ने कब्जा किया है। भड़क गई ममता, संदेश खाली के पीछे साजिश। संदेश खाली हिंसा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अंजू बाला पीड़ितों से मिलने के लिए संदेश खाली पहुंचे। संदेश खाली कांड को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार और अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों की बातचीत सुनकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अंजू बाला हैरान रह गई। उन्होंने ममता सरकार पर सीधे निशाना साधा। ये शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे, और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे, तो इस तरीके से नहीं चलता। इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक खुद एक महिला है, नाम ममता रखती है लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। संदेश खाली में महिला हिंसा को लेकर के आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने बड़ा ही तीखा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आज के समय में महिलाओं के साथ ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है लेकिन शायद उनके मन में ममता नहीं है। ये आरोप उन्होंने आज लगाया। अब आप ये भी जान लीजिए कि संदेश खाली कांड अचानक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और जमीन पर कब्जे का खुलासा कैसे हुआ। 7 फरवरी को टीएमसी ने संदेश खाली में एक रैली की, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। संदेश खाली के लोगों ने शाहजहां शेख पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया, जबकि संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए और गुस्से में आरोपियों की संपत्तियों में आग लगा दी। लगातार 3 दिनों तक संदेश खाली में महिलाएं सड़कों पर डटी रहीं। मामले को शांत करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। संदेश खाली की घटना को लेकर के ममता बनर्जी ने भी आज विधानसभा में भाजपा पर करारा हमला किया है। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि भाजपा बाहर से लोगों को ला रही है जो कि मुंह पर मास्क लगाकर वहां माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन गया है। संदेश खाली कांड के आरोपियों में से टीएमसी नेता शाहजहां शेख के बचाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से कूद पड़ी हैं।
हम आपको बता दें कि शाहजहां शेख ही वो टीएमसी नेता हैं जिसने ना सिर्फ ईडी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे, यहां तक कि ईडी की टीम पर हमला भी किया था। जरा देखिए कब कब क्या हुआ। टीएमसी नेता शाहजहां शेख इस वक्त संदेश खाली में खलनायक माना जा रहा है। 5 जनवरी को टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर ईडी की रेड हुई। 5 जनवरी को ही शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। 5 जनवरी से ही शाहजहां शेख फरार है। इस बीच शाहजहां शेख कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर कर रहा है। सीबीआई के वकील ने शाहजहां शेख की तुलना लादेन से की है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। उस समय मैं मौजूद था टीएमसी में, और जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। संदेश खाली में मचा बवाल आसानी से रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने इसे ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना दिया है, तो वहीं ममता संदेश खाली को अब एक ऐसा मुद्दा बना रही हैं ताकि वो साबित कर पाए कि बीजेपी संदेश खाली की आड़ में बंगाल को जलाने की साजिश रच रही है। फिलहाल दिल्ली से लेकर कोलकाता तक संदेश खाली की हिंसा का मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर अभी और कोहराम मचने के दावे किए जा रहे हैं।